बेटे संग कांग्रेस के हुए पप्पू, कहा मेरी विचारधारा कांग्रेस की। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होते ही बिहार कांग्रेस में मचा भूचाल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुए नाराज, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रहे गैर हाजिर। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होते ही बिहार यूनिट में भूचाल मच गया है। बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज हैं, इसी वजह से वे मिलन समारोह में भी शामिल नहीं हुए। पप्पू यादव के दल में शामिल होने के बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी नेतृत्व पर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि अब पप्पू के चप्पू के सहारे ही बिहार कांग्रेस बैतरणी पार करेगी। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने पप्पू यादव और उनके बेटे को दल में शामिल कराया। इस दौरान बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार सिंह व अन्य मौजूद रहे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह वहां नहीं दिखे। हालांकि वे क्यों नहीं थे, इस बारे में कांग्रेस के किसी नेता ने कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि बिहार के किसी दल का विलय कांग्रेस पार्टी में हो रहा हो और प्रदेश अध्यक्ष ना हो, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अखिलेश सिंह की अनुपस्थिति से तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि पप्पू यादव को दल में शामिल कराने के निर्णय से वे खफा है। वे उन्हें दल में शामिल कराने के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने दूरी बना ली है। इधर पप्पू यादव के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट पर नेतृत्व पर ही तीखा हमला बोला। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर लिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने लिखा, लालू प्रसाद के बाद जाप नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का साथ मिल जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब लालू पप्पू के चप्पू के सहारे बिहार में कांग्रेस पार्टी बैतरणी पार करेगी, बधाई। हालांकि कुछ देर बाद ही अनिल शर्मा ने अपना यह पोस्ट डिलीट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।